नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 मार्च, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में होली को लेकर पुलिस सख्त। इंटर के परीक्षार्थी इस दिन तक आंसर की पर दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। अब बोलकर बुक कर सकेंगे ट्रेन की टिकट। नालंदा में जहरीली शराब से मौत पर 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश जारी। भारत की हार के बाद रोहित शर्मा का बयान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म आज ही के दिन 1921 में हुआ था। यह प्रेमचंद युग के बाद के आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे सफल और प्रभावशाली लेखकों में से एक थे। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के लेखक है, जिसे प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यास माना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु समकालीन ग्रामीण भारत की आवाज को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। उन्हें आंचलिक उपन्यास की शैली के माध्यम से और उन अग्रणी हिंदी लेखकों में रखा गया है जिन्होंने क्षेत्रीय आवाजों को हिंदी साहित्य की मुख्यधारा में लाया है। रेणु बंगाली उपन्यासकार सतीनाथ भादुरी की बहुत करीबी सहयोगी थे। रेणु को तत्कालीन राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटगिरी ने 21 अप्रैल 1970 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था, लेकिन 4 नवंबर को पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई तो उन्होंने आपातकाल के विरोध में न केवल बिहार सरकार की ओर से मिलने वाली 300 रुपए की पेंशन को लौटा दिया, बल्कि पद्मश्री अवार्ड को भी पापश्री का अवार्ड कहकर वापस कर दिया। रेणु की रचना मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम फिल्म भी बनी है। बिहार में होली को लेकर पुलिस सख्त। बिहार में होली के दौरान किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो सके, इसके लिए बिहार पुलिस की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। बता दें कि होली को लेकर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार होली के दौरान राजधानी पटना में ट्रैफिक पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रैफिक रूट्स में भी बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि होली के मद्देनजर संवेदनशील जिले जहां पर पहले भी घटना घटित होती आई है, वैसे स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही से अतिरिक्त पुलिस बल को लेकर तैयारियों का जायजा भी मांगा गया है। वहीं वैसे लोग जो बाइक से हुड़दंग मचाएंगे उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कई स्थानों पर पुलिस की तैनाती सिविल ड्रेस में भी की जाएगी। नालंदा में जहरीली शराब से मौत पर 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश जारी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से बिहार सरकार को आदेश जारी कर यह कहा गया है कि नालंदा में जिन भी लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है उन्हें सरकार की ओर से 3-3 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाए। बता दें कि आयोग की ओर से इस काम को पूरा करने के लिए सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया गया है। वहीं इस काम को पूरा करने के बाद सरकार के द्वारा मुआवजे के रूप में दी गई राशि के भुगतान का प्रमाण समेत सचिव रिपोर्ट आयोग के सामने रखनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2022 में नालंदा के सोहसराय थाना इलाके में जहरीली शराब पीने से करीब 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर आयोग में शिकायत की गई थी, लेकिन आयोग के द्वारा सरकार पर ही सवाल उठाया गया था। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा साफ साफ मना कर दिया गया था कि जहरीली शराब से मरने वालों को किसी प्रकार का कोई मुआवजा सरकार की ओर से नहीं दिया जाएगा। पटना में मेट्रो स्टेशन पर लगेगा सोलर एनर्जी पैनल। पटना मेट्रो स्टेशनों में भविष्य में काम आने वाले तकनीकी और सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की क्षमता और एनर्जी की कमी की भरपाई को ध्यान में रखते हुए एक योजना तैयार किया गया है, जिसके तहत पटना मेट्रो के कुछ चुनिंदा स्टेशनों और रखरखाव डिपो की छतों पर सोलर एनर्जी पैनल से जुड़े ग्रिड स्थापित किए जाएंगे, जो स्वच्छ और ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, जिसका उपयोग पटना मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट संचालन, प्रकाश व्यवस्था, अग्निशमन प्रणाली जैसे कार्यों में किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पैनल हर दिन लगभग 6.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। बता दें कि पटना मेट्रो के द्वारा किए जा रहे इस प्रयास से न केवल कार्बन फुटप्रिंट कम करने में और भविष्य में लगातार ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि भारत सरकार की 2030 तक नवकरणीय एनर्जी स्रोतों से 50% संचित विद्युत ऊर्जा और 2070 तक 0 कार्बन एमिशन लक्ष्य की प्राप्ति के भी अनुरूप काम करेगा। नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के लापता होने को लेकर एडीजी ने कही ये बात। बुधवार की शाम नालंदा मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष एवं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार लापता हो गए। बता दें कि उनकी कार गुरुवार की सुबह गांधी सेतु के पास से लावारिस हालत में बरामद की गई थी। मालूम हो कि गाड़ी से उनके दोनों मोबाइल और चश्मा को भी बरामद किया गया है। वह इस मामले को लेकर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा कहा गया है कि पत्रकार नगर थाने की पुलिस को इस बात की जानकारी डॉक्टर की पत्नी प्रोफेसर सालनी के द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल
फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा गंभीरता पूर्वक छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को भी पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई जानकारी पुलिस के हाथ लग सके। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की छानबीन के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है क्योंकि उनकी गाड़ी गंगा नदी के ऊपर बनी पुल पर मिली थी। बता दें, खबर लिखे जाने तक यही बात निकलकर सामने आ पाई है कि पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल जारी है। बिहार के लोगों को मार्च में झेलनी होगी प्रचंड गर्मी। बिहार में गजब की गर्मी पड़ती है। इस बार मार्च महीने के शुरू होते ही धूप तीखी लगने लगी है। मौसम विभाग ने चेता दिया है कि इस बार मार्च का महीना लू लेकर आएगा। पहले अप्रैल के अंतिम सप्ताह में लू का आगमन होता था, अब ऐसा नहीं है। लू मार्च के महीने से शुरू हो जाएगी। ऐसा पहली बार होगा जब मार्च में गुलाबी ठंड की जगह गर्मी पड़ेगी। खासकर दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले कैमूर, बक्सर के अलावा भोजपुर में स्थिति विकट हो सकती है। मार्च अप्रैल में लू अपनी पूरी रफ्तार में होगी। इतना ही नहीं, पूरे अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा होगा। इस महीने पछुआ का प्रभाव भी तेज होगा, लेकिन सर्द हवा की जगह वो गर्म हवा होगी। मौसम विज्ञानी की माने तो सुबह और रात के समय गुलाबी ठंड रहेगी। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से बदलते मौसम के बीच लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। गर्मियों में होने वाले वायरल बीमारियों पर डॉक्टर दिवाकर ने कही बड़ी बात। बिहार में अचानक से तापमान में हुए बदलाव के बाद से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। खासकर सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। शुरुआती गर्मियों में होने वाले फ्लू को लेकर बिहारी न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने बताया है कि इन दिनों लोगों को कोल्ड कफ और खांसी जैसी समस्याएं सामने आ रही है। साथ ही साथ फ्लू जैसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों अस्थमा वाले मरीजों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे में ने साफ साफ कहा है कि गर्मियों के शुरुआती समय में हमें सचेत रहने की जरूरत है। सुबह शाम जिस तरह से तापमान में कमी और दिन चढ़ने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, उससे हमें बचना है। बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लोगों को काढ़ा, तुलसी युक्त चाय पीने की जरूरत है। दिन में अगर गर्मी लगती है तो ज्यादा ठंडा पानी न पिए। ज्यादा परेशानी होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। इंटर के परीक्षार्थी इस दिन तक आंसर की पर दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। बीते दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 का आंसर की जारी कर दिया गया है। बता दें कि जारी किए गए आंसर की में परीक्षार्थियों से पूछे गए 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर शामिल है। जो परीक्षार्थी बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bihar.online.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं अगर किसी परीक्षार्थी या अभिभावक को आंसर की पर आपत्ति है तो वह समिति की वेबसाइट पर 6 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। बता दें कि आपत्ति दर्ज करने के लिए सबसे पहले परीक्षार्थियों को बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को खोलना होगा। इसके बाद दिए गए लिंक पर रजिस्टर रिगार्डिंग आंसर की इंटर एग्जाम 2023 या objection.biharboardonline.com पर क्लिक करना होगा और अपने शिकायत को दर्ज कर देना होगा। अब बोलकर बुक कर सकेंगे ट्रेन की टिकट। IRCTC के द्वारा लगातार यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए नए नए बेहतरीन अपडेट लाए जाते हैं। वहीं अब एक बार फिर IRCTC यात्रियों के लिए एक ऐसा अपडेट लेकर आने वाला है जिसकी मदद से यात्रियों को टिकट बुकिंग करने के पहले की तुलना में काफी आसानी होगी। बता दें कि IRCTC के द्वारा लाए जा रहे अपडेट के अनुसार यात्री अपना टिकट बोलकर बुक करवा सकते हैं। बता दें कि IRCTC के द्वारा अपने चैट बॉक्स में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इस बदलाव के जरिए सिर्फ बोलकर ही यात्री बड़ी ही आसानी से टिकट कर सकेंगे। दरअसल IRCTC के द्वारा अपने चैट बॉक्स आस्क दिशा में परिवर्तन लाया जा रहा है जिसके पहले फेज का ट्रायल सफल हो गया है, जिसके बाद ही यह उम्मीद की जा रही है कि लोगों को बहुत जल्द ही नई सुविधा मिल सकती है। मालूम हो कि इसकी मदद से आप टिकट की बुकिंग के साथ साथ टिकट को कैंसिल भी बोलकर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैंसिल किए गए टिकट के रिफंड की क्या स्थिति है इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। बिहारियों के साथ तमिलनाडु में हुए हिंसे को लेकर विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश से की मांग। इन दिनों बिहार विधानसभा से लेकर सोशल मीडिया तक तमिलनाडु में हुए बिहारियों पर हिंसा को लेकर हंगामा मचा हुआ है। वहीं बीते दिन सदन में इस मामले को लेकर भाजपा के द्वारा जबरदस्त हंगामा करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने मुख्यमंत्री के कक्ष में पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी समेत 5 विधायक पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया है कि हमारे द्वारा सीएम से यह मांग की गई है कि बिहार से एक सर्वदलीय टीम तमिलनाडु जाए और वहां इस मामले की जांच करे। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने DGP और मुख्य सचिव को पास बुलाकर कहा है कि एक अधिकारियों की टीम कल तमिलनाडु भेजी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि जो भी लोग वहां से वापस आना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। फिल्म अभिनेता पंकज
त्रिपाठी और प्रोड्यूसर कमलेश मिश्र ने एक दूसरे को थमाया नोटिस। बिहार के रहने वाले फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी और प्रोड्यूसर कमलेश मिश्र के द्वारा फिल्म विवाद को लेकर एक दूसरे को नोटिस थमा दिया गया है। दरअसल आजमगढ़ फिल्म की शूटिंग 2015 में हुई थी और 2019 में यह फिल्म सेंसर बोर्ड के पास पहुंची, जिसके बाद अब 2023 में इस फिल्म का होर्डिंग लगा है। वहीं इस फिल्म के पोस्टर पर पंकज त्रिपाठी ने विरोध जताते हुए कमलेश मिश्र को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के रिलीज को लेकर उनके पास कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने इस फिल्म के लिए केवल 3 दिन ही शूटिंग किया है और यह फिल्म शॉर्ट फिल्म थी, लेकिन पोस्टर ऐसे लगाया गया है जैसे यह कोई बड़ी फिल्म हो और उनका बस फिल्म में कोई मेन रोल हो। उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करके फिल्म को भुनाने की कोशिश की जा रही है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे जलालगढ़ किला के बारे में। जलालगढ़ किला भारत के बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में स्थित एक लगभग 300 वर्ष पुराना दुर्ग है, जो वर्तमान में खंडहर स्थिति में है। यह पूर्णिया नगर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में है। जलालगढ़ किला अपने इतिहास के लिए प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन यह किला एक और बात के लिए काफी मशहूर है। कई सारे किले गोलाकार के आकार में होते हैं, लेकिन जलालगढ़ का किला गोलाकार के रूप में नहीं बल्कि चतुष्कोणी के रूप में है, और यही इस जलालगढ़ किले की खासियत है। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें नेपाल से होने वाली हमलों से अक्सर बचाया करती थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस किले को हिंदू और इस्लाम दोनों ही वास्तुकला में बनाया गया है। सन 1999 में इस किले को धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया था और अभी यह एक पर्यटन का स्थल बन चुका है। होली से पहले कार्रवाई कर जब्त किए गए कफ सिरप और शराब, एक बड़ी सफलता ALTF और उत्पाद विभाग को सारण जिले में मिली है। दरअसल ALTF और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में मांझी बलिया मोड़ पर स्थित उत्पाद चेक पोस्ट पर 2 कंटेनरों को पकड़ा गया है। इन दो कंटेनरों में 385 कार्टून कफ सीरप आलू के बोरियों के साथ ही साथ 261 कार्टन अंग्रेजी शराब कार्टन के रोल के पीछे रखकर तस्करी की जा रही थी। कंटेनरों में मौजूद 2 ड्राइवर भी पुलिस के गिरफ्त में आ चुके। चेक पोस्ट पर स्कैनर के द्वारा जांच के दौरान कंटेनर के अंदर बड़ी मात्रा में बोतल रखे होने की पुष्टि की गई है। दरअसल इस बात की जानकारी उत्पाद अधीक्षक रजनीश कुमार ने दी है। CBI में पुलिस महानिरीक्षक बने DIG सत्यवीर सिंह। सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार कैडर के IPS अधिकारी को विरमित कर दिया है। CBI में पुलिस उप महानिरीक्षक DIG सत्यवीर सिंह को बनाया गया है। बता दें कि वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर 5 सालों के लिए रहेंगे। दरअसल अभी आतंकवाद निरोधक दस्ता में DIG के पद पर IPS अधिकारी सत्यवीर सिंह पदस्थापित है। गृह विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राज्य में हर प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा सकेगा। राज्य के सभी पुलिस अधिकारी DIG के निर्देश पर ही कार्य करते हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने से चूक गई JDU। नागालैंड चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को लेकर काफी खुश थे कि अगर JDU को इस चुनाव में 6% वोट हासिल हो जाते हैं तो उनकी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा, लेकिन अब उनका यह सपना टूट गया है। बता दें कि नागालैंड चुनाव को लेकर पार्टी के कई नेताओं को नागालैंड भेजा गया था और साथ ही इस चुनाव पर मुख्यमंत्री की भी नजर बनी हुई थी, लेकिन चुनाव का परिणाम आने के बाद JDU के केवल एक विधायक के द्वारा ही नागालैंड चुनाव में 3.25% वोटिंग परसेंटेज के तौर पर एक सीट किया जा सका। वहीं अगर हम JDU के ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वह केवल 0.06% ही रह पाया, जो कि 6% वोट से काफी कम है। यही कारण है कि JDU पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिल सका। बिहार विधानसभा में हंगामा करने वाले विधायकों को लेकर स्पीकर ने दिया संकेत। बीते दिन यानी कि बिहार विधानसभा के 5वें दिन सदन में विपक्षी पार्टियों के द्वारा हंगामा करने को लेकर स्पीकर के द्वारा संकेत देते हुए बताया गया है कि हंगामे करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल बीते दिन सदन में BJP के द्वारा तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए हमले को लेकर हंगामा किया जा रहा था। मालूम हो कि हंगामा इतना बढ़ गया था कि BJP विधायक जीवेश कुमार के द्वारा टेबल पटक दिया गया, जिसके बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया और BJP विधायक न केवल इस मुद्दे को लेकर राजद विधायकों के आमने सामने आ गए बल्कि रिपोर्टर टेबल को भी पटक दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा के आक्रामक रवैये को गैर अनुशासित बताते हुए विधानसभा स्पीकर से कार्रवाई की मांग की गई। उसके बाद स्पीकर ने भाजपा सदस्यों के रवैये पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई करने की बात कही। इसके साथ उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा, जनक सिंह, लखिंद्र पासवान का आचार बेहद निंदनीय है। JDU के पूर्व सांसद ने छोड़ा नीतीश कुमार का साथ। कुछ दिनों पहले ही उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा नीतीश कुमार की पार्टी JDU का साथ छोड़ अपनी नई पार्टी का गठन किया गया था। वहीं अब एक बार फिर नीतीश कुमार को पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। बता दें कि बीते दिन यानी कि शुक्रवार को आरा की पूर्व सांसद मीना सिंह समेत दर्जन भर नेता कार्यकर्ता के द्वारा JDU पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। मालूम हो कि मीना सिंह ने अपना इस्तीफा पत्र JDU के प्रदेश अध्यक्ष को दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देती हूं।
तक इस पत्र में उन्होंने अपने इस्तीफा देने का कारण नहीं बताया है। वहीं इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जेडीयू पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने पार्टी में ईमानदारी से पूरा योगदान दिया है ताकि पार्टी को मजबूत बनाया जा सके, लेकिन पार्टी के द्वारा लगातार उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। मीना सिंह ने कहा कि अब जेडीयू अपने सिद्धांत से भटक चुकी है, उनके लिए पार्टी में अब पुराने और समर्पित लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आरसीपी सिंह ने बताया सीएम नीतीश को दिल्ली क्यों भेजना चाहते हैं आरजेडी। बीते दिन आरसीपी सिंह के द्वारा अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला गया। इसके साथ ही उन्होंने इस वीडियो में यह भी बताया है कि आखिर क्यों सीएम नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की चर्चा इन दिनों चल रही है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब बिहार में जो भी स्थिति आ गई है वह 2005 से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कह दिया गया है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बना देंगे, लेकिन जब वह रैली में गए तो किसी पार्टी के द्वारा उनका नाम ही नहीं लिया गया है। इसके पीछे बस यही एक कारण है कि आरजेडी के लोगों की बस यही चाह है कि तेजस्वी यादव किसी भी तरह बस जल्दी से मुख्यमंत्री की गद्दी पर आ जाए। सीएम नीतीश के मेन फ्रंट को लगा बड़ा झटका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ किया जाए। ऐसे में नीतीश कुमार की यह ज्यादा कोशिश की थी कि अगर विपक्षी एकता में कांग्रेस को भी मिलाया जा सके ताकि मजबूत विपक्षी एकता के साथ लोकसभा चुनाव को लड़ा जा सके, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार की विपक्षी एकता में कोई दम नहीं रहा है, क्योंकि किसी अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा उनकी बातों में रुचि नहीं दिखाई जा रही है। मालूम हो कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वह लोकसभा चुनाव 2024 अकेले ही लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं वह हमारे ही पक्ष में वोट करेंगे, यह मेरा विश्वास है। भारत की हार के बाद रोहित शर्मा का बयान। बीते दिन इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 टेस्ट सीरीज में भारत को 9 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं हार के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा कहा गया है कि भारत के बाहर भी अब 5 दिन तक टेस्ट मैच नहीं चल पा रहे। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला 3 दिन में ही समाप्त हो गया। पाकिस्तान में तो लोग टेस्ट मैच को बोरिंग कहते हैं, हम इसे मजेदार बना रहे हैं। इस तरह की पिच पर खेलना टीम प्रबंधन का सामूहिक फैसला था। हम यह पता था कि बल्लेबाजों के लिए यहां कठिनाई होने वाली है, लेकिन चुनौती के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर हमें 80-90 रन की बढ़त मिली थी तो हमें अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके और केवल 75 रन की बढ़त ले सके। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। पश्चिम बंगाल में 1788 में कलकत्ता गजट का पहला प्रकाशन हुआ। ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडली वुड और मोहनदास करमचंद गांधी जी में सन 1931 में भेंट राजनीतिक कैदियों की रिहाई और नमक के सर्वजन उपयोग की छूट को लेकर मंत्रणा और इकरारनामे की घोषणा हुई। नई दिल्ली में सन 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। राजस्थान के पोखरण से 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया गया। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर मदन लाल मधु को 2008 में प्रतिष्ठित सम्मान मीडिया यूनियन ने सर्वानाक्षर पुरस्कार से सम्मानित किया। 1856 में अंग्रेजी भाषा की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न कवित्री तोरू दत्त का जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल का 1939 में निधन हुआ। आज के दिन को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात करेंगे बीएसएफ इंडियन आर्मी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बीएसएफ इंडियन आर्मी के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक फेसबुक पेज बीएसएफ इंडियन आर्मी सीमा सुरक्षा बल के आधिकारिक हैंडल की नकल कर रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये एफबी अकाउंट फेक है। बीएसएफ का असली एफबी पेज ऑफिशियल पेज बीएसएफ है। आधिकारिक जानकारी के लिए आप बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जा सकते हैं। व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड बीटा पर रिपोर्ट स्टेटस अपडेट फीचर किया रिलीज। मेटा स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप एक नया फीचर शुरू कर रहा है जो उपयोगकर्ताओं को एंड्रॉइड बीटा पर स्टेटस अपडेट की रिपोर्ट करने की अनुमति देगा। डब्ल्यू बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार बीटा परीक्षकों को स्टेटस विकल्पों के भीतर एक नया रिपोर्ट एक्शन दिखाई देगा। नए फीचर के साथ उपयोगकर्ता किसी भी स्टेटस अपडेट की रिपोर्ट कर सकते हैं जो सेवा की शर्तों का उल्लंघन कर सकता है, जिसे बाद में कंपनी की मॉडरेशन टीम को भेजा जाएगा। साथ ही फीचर सुनिश्चित करता है कि मैसेज, मीडिया, लोकेशन शेयरिंग, कॉल और स्टेटस अपडेट सभी डिवाइस पर एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एंड्रॉइड के लिए व्हाट्सएप बीटा के लेटेस्ट अपडेट को प्ले स्टोर पर इंस्टॉल करने के बाद कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए स्टेटस अपडेट की रिपोर्ट करने की क्षमता उपलब्ध है और आने वाले दिनों में और अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए रिलीज होने की उम्मीद है।
सेंसेक्स 900 निफ्टी 272 अंक चढ़कर हुआ बंद। भारतीय शेयर बाजार के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन राहत भरा रहा। मालूम हो कि सेंसेक्स एक समय 1000 अंकों की उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था। बता दें कि बीते दिन का कारोबार खत्म होने पर BSE सेंसेक्स 882 अंकों के उछाल के साथ 59,797 तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 266 अंकों के उछाल के साथ 17,579 अंकों पर बंद हुआ। बीते दिन के ट्रेडिंग सेशन में सभी सेक्टर के शेयर तेजी के साथ बंद हुए। वहीं बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में गजब की तेजी देखी गई। बता दें कि बैंक निफ्टी बीते दिन 2.09% की तेजी के साथ बंद हुआ। मालूम हो कि बीते दिन जो शेयर तेजी के साथ बंद हुए हैं उनमें FMCG, एनर्जी मेटल्स, इंफ्रा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर सेक्टर के शेयर शामिल है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी रही। भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने दिए दो बड़े झटके। भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो बड़ा झटका दिया गया है। बता दें कि मुंबई की अदालत के द्वारा संपत्ति जब्त को लेकर फैसला सुनाया गया था, जिसको लेकर माल्या के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मुंबई की अदालत के द्वारा उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था और साथ ही उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही की चुनौती दी गई थी। यानी कि एक तरफ जहां विजय माल्या आर्थिक अपराधी ही रहने वाले हैं, तो वही दूसरी ओर अब उनकी संपत्ति भी जब्त होने जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में विजय माल्या के वकील के द्वारा दावा किया गया है कि उन्हें क्लाइंट से कोई जानकारी नहीं मिली है, वे खुद इस मामले में अंधेरे में हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि रंजन, कृष्ण कुमार यादव, विपिन लाल वर्मा, अशोक कुमार झा, योगेंद्र रजक, नन्नू गोलू कुमार, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद सकीर हुसैन, रवि शंकर, मुट्टू रंगीला, राजेंद्र सिंह, उमेश ऋषिदेव, गौतम कुमार, कविता कुमारी, अनिल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, मीना सिंह के पार्टी छोड़ने से आगामी चुनाव में जेडीयू पर असर पड़ेगा या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।